आज हम बनाने वाले हैं वेज स्टीम मोमोज। तो इसके लिए आपको चाहिए सब्जियों में कैबेज यानी कि पत्ता गोभी और प्याज, शिमला मिर्च, अगर आपके पास कैरेट, बीन्स, कॉर्न, स्प्रिंग अनियन इनमें से कुछ भी है वो भी डाल सकते हैं। तो सब्जियों को पहले फाइनली चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच जिंजर ग्रेट कर रही हूँ जिसको फिलिंग में डालेंगे। अब मीडियम साइज़ के ग्रेटर से हम पत्ता गोभी को ग्रेट कर लेंगे। अब एक बाउल में सारी सब्जियों को डालेंगे। अदरक को अभी छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें सॉल्ट डाल के इसका पानी को जो है एक्स्ट्रा निकालना है। पहले हम इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 7-8 मिनट तक छोड़ देंगे। फिर 7-8 मिनट बाद इसका जो है हम पानी निचोड़ देंगे और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पानी को ज़्यादा नहीं निचोड़ना है क्योंकि इससे ड्राई हो जाएंगे, फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो पानी निचोड़ने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करें, उसके अंदर हरी मिर्च और जिंजर डालें, फिर सारी सब्जियां डालें और 3-4 मिनट तक सौटे करें। इसके अंदर सीजनिंग के लिए डालेंगे नमक और ब्लैक पेपर। फिर इसको गैस बंद कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। और रेड चटनी, मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए मैंने 20 से 21 मिर्ची लिए जो कि ये छोटे साइज़ में है और स्पाइसी भी है। इसके लिए मैंने इसके 20 निकाल दिए और 5 टमाटर के साथ इसको पानी में डाल के 10 मिनट बॉईल करेंगे और या जब तक टमाटर के छिलके निकलना है। टमाटर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। टमाटर ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी में डालेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। फिर इसको हमें पकाना है तो इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक पूरी जो गार्लिक का बल्ब होता है उसको फाइनली चॉप करके और थोड़ा सा जिंजर डालेंगे। और इसको 15 सेकंड पकाने के बाद इसके अंदर हम टमाटो प्योरे डाल देंगे, जो टमाटो और मिर्च का प्योरे था। इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा वाटरनर रिड्यूस हो जाए। फिर 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे, सोया सॉस, विनेगर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटो केचप 3 टेबल स्पून डालना है, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में मिक्स करके इसको अपनी टमाटो चटनी में डाल देंगे यानी मोमोज़ की चटनी में। तो इसको 2-3 मिनट तक ज़रूर पकाना है। फिर इसके अंदर सॉल्ट और ऑरेगानो डाल के 1 मिनट पकाएंगे और इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको साइड रख देंगे। मोमो के कवर के लिए 1.5 कटोरी मैंने मैदा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके, अगर गुनगुना लेना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक स्टिफ आटा यानी कि टाइट होना चाहिए बट एकदम अच्छा गुना होना चाहिए। इसको 20 या 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। फिर इसकी एक लोई काटेंगे और इसको लंबा सिलेंडर शेप, पाइप की शेप का बना लेंगे। फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब इसकी लोई बनाएंगे और सूखे मैदे में लगाकर इसको पतला बेलेंगे। पहले थोड़ा सा बेल लें, फिर इसकी एजेस पे पतला बेलें और सेंटर में ज़्यादा ना बेलें, एजेस पे प्रेशर देकर इसको बेलें। और हमें बीच में ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। फिर इसके अंदर 1.5 चम्मच फिलिंग डालेंगे और इसको जैसे दिखाया वैसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है, चिपक नहीं रहा है मैदा, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। मेरे से हो गया था तो मैंने नहीं लगाया। इसी तरीके से सारे मोमोज़ को हम शेप दे देंगे और फिर करेंगे इसको स्टीम। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक नॉर्मल छन्नी ली है स्टील वाली, उसके ऊपर पत्ते गोभी के पत्ते डाल दिए हैं। फिर मोमोज़ डालेंगे और मैंने कढ़ाई में पहले से पानी गर्म कर लिया था। बॉयल आने पर उसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। फिर मोमोज़ और इसको ढक कर 20 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और इसको टमाटो चटनी के साथ, सॉरी मोमो की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बनाएं ज़रूर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।